पिछले कुछ दिनों से देश की राजनीति कुछ ज्यादा ही गर्म है। एक तरफ जहां कश्मीर मुद्दा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ बड़े नेताओं की गिरफ्तारी और पूछताछ का दौर भी जारी है। गुरुवार को देश भर में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की खबर चर्चा का विषय बनी रही। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी से जहां कांग्रेस तिलमिला उठी है, तो वहीं आग में घी डालने का काम किया राज ठाकरे को कोहिनूर CTNL मामले को लेकर पूछताछ के लिए ईडी द्वारा समन भेजना। गुरुवार को लगभग 9 घंटे तक ईडी ने राज ठाकरे से पूछताछ की। हालांकि इस पूछताछ में क्या कुछ हुआ अभी तक यह बात सामने नहीं आई है, लेकिन ईडी ऑफिस से निकलने के बाद राज ठाकरे ने कहा कि चाहे कितनी भी जांच कर ले, कोई मेरी आवाज दबा नहीं सकता, मैं अपना काम करता रहूंगा। राज ठाकरे के समर्थन में विपक्ष सहित बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना तक उतर आई है। एक तरफ शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस जांच से कुछ नहीं निकलेगा, तो दूसरी तरफ पार्टी के ही सांसद और प्रवक्ता संजय राउत का कहना था कि हम भले ही राजनीति में एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन संकट के समय हम एक परिवार हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि बहुत संभव है कि इस मामले का कुछ संतोषजनक हल निकल जाए। कांग्रेस के लिए पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी और भी खलने वाली रही है, क्योंकि पी चिदम्बरम कांग्रेस की पहली पंक्ति के नेता है। उनकी गिरफ्तारी एक तरह से कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल खड़ा करता है। अगर स्थिति पर गौर किया जाए तो यहाँ जितनी भद्द चिदम्बरम की पिटी उतनी राज की नहीं। राज के समर्थन में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आंदोलन हुए। मुंबई और ठाणे में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी रही, जबकि पी चिदम्बरम 27 घंटे तक लापता रहे। यही नहीं, CBI को चिदम्बरम के घर की दीवार फांद कर अंदर जाना पड़ा। यानी एक तरह से मुंबई में पुलिस इस बात से डर रही थी कि कहीं मनसे वाले अपने स्टाइल में न उतर जाएं, तो वहीं दूसरी तरफ पी चिदम्बरम जैसे नेता पुलिस के डर से भागते फिर रहे थे। हर पार्टी के नेता को अपने ऊपर खतरा मंडराता महसूस हो रहा है। यही कारण है कि इस समय पूरा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार पर हमलावर हो गया है। तुम्ही आमच्या विरोधात बोलला म्हणून तुमच्या मागे आम्ही ईडी लावू, तुमच्या मागे CBI लावू, तुमच्या मागे इन्कम टॅक्स लावू, तुमच्या मागे अनेक यंत्रणा लावू, पण तुमचं तोंड बंद करू। ही जी अघोषित आणीबाणी या देशामध्ये आपल्या आहे, ती अघोषित आणीबाणी आता दिसायला लागली। विपक्ष मोदी सरकार पर बदले की कार्यवाही करने का आरोप ऐसे ही नहीं लगा रही है। रॉबर्ट वाड्रा हो या मायावती, ममता बनर्जी हो या पी चिदम्बरम या फिर राज ठाकरे, कई नेता इस समय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। यह अलग बात है कि इनमें सबसे अधिक कांग्रेस के नेता हैं। यही नहीं, अभी और भी नेता हैं जो जांच एजेंसियों के निशाने पर आ सकते हैं। इनमें अगस्ता वेस्टलैंड VIP हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले में सोनिया गांधी के बेहद खास अहमद पटेल और जमीन घोटाला मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता भूपेंद्र हुड्डा सहित कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर जैसे लोग शामिल हैं। देश की राजनीति में इस समय जैसा माहौल है, उससे विपक्ष बुरी तरह से खौफ में है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उसे देखकर दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की मशहूर फिल्म आनंद का एक डायलॉग याद आता है। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा, ये कोई नहीं बता सकता है। यानी राजनीति के रंग मंच पर इस समय विपक्षी की डोर सत्ता पक्ष के हाथ में बंधी है। इसकी डोर कब कहां कैसे खिंच जाए, यह कोई नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, इसका हमें फीडबैक जरूर भेजें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।